राधे राधे, मैं बीना सिन्हा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के कहने पे। राधे राधे, मैं बीना सिन्हा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक नंबर 61 से 72 तक हिंदी में श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर को मेरा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। भूल त्रुटि होने से कृपया गुरुजन मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बसाए रखें और मेरे जितने भी भूल त्रुटि जो भी होता है उसके लिए अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा अपनी बसाए रखे। मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट गीता पाठ जो जिस तरह से नियम नीति से करना चाहिए मैं वैसे नहीं कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको मैं कह पाऊँ या आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत कर सकूं। अमर गुरुदेव एकश्वर श्री धीर कृष्ण दास बाबा जी चरण कमल भय नमः। अमर परम गुरुदेव एकश्वर श्री गोपाल दास वैराग्य ठाकुर श्री चरण कमल भय नमः। अमर परमेष्टि गुरुदेव एकश्वर श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर श्री चरण कमल भय नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरो गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानन्ति निरन्दिश्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी त्वांग मामी हरिते। वंशाकल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासतत्त्वं जयो मुदीरयेत्। ॐ गणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै देव्यै नमः। ॐ सर्वदेवी देवाय नमो नमः। नित्याय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक नंबर 61 से लेके अंतिम लास्ट पूरे श्लोक हम आज पाठ कर लेते हैं। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्यो युक्त असित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए साधकों को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उसे अपने वश में रखना चाहिए, और हमारे इंद्रियों को वश में करते हुए हमें भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पण करना है। और समर्पण करके ये ध्यान में हमें रखना है कि ईश्वर मेरे है और मैं ईश्वर का हूँ, और ये भौतिक जगत मेरा नहीं और मैं और ना ही मैं इस भौतिक जगत का हूँ। ये ध्यान हमें अपने अंदर बिठा देना है, और ये बिठा के हमें भगवान के चरणों में खुद को पूरी तरह से समर्पण करते हुए अपने जो कर्तव्य कर्म है उसे पूरी तरह से निभाते हुए चलना है। श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजयते कामः कामात् क्रोधः विजायते। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों का कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इतनी खूबसूरती से कहते हैं कि 61 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, और इस श्लोक में कहते हैं कि विषयों का चिंतन, यदि हम किसी एक विषय के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं तो उन विषयों से हमें आसक्ति मीन्स अटैचमेंट जो है उससे अटैच्ड हो जाते हैं। यदि हम मान लें कि यदि हम सिर्फ पैसा 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 हमेशा यदि हम अपने चिंतन में पैसा पैसा करके अगर हम सोचते रहेंगे, हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहेंगे, तो उस चिंतन के दौरान पैसों के साथ हम अटैचमेंट जोड़ लेते हैं, एक कनेक्शन जोड़ लेते हैं, या उसके साथ मोह माया जो भी वर्ड्स हम यूज़ करें वो हम अटैचमेंट जोड़ लेते हैं, और जब वो जोड़ लेते हैं तब आसक्तियों से मीन्स उससे कामनाएं उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, और उसके बाद सबसे पहला इंद्रिय जो कंट्रोल करना है, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करो, क्रोध को वश में लाओ। जैसे कि क्रोध का सोर्स जो है भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं, क्रोध जो है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और उस पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसलिए 62 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है। और क्रोध के सोर्स को समझना है, क्रोध के सोर्स को यदि हम समझने की कोशिश करें तो क्रोध उस सोर्स को समझने के बाद उससे हम खुद को अटैच्ड होने से दूर कर सके। फॉर एग्जाम्पल विषयों का चिंतन, यदि हम जैसे कि अभी कहा कि पैसों के बारे में ज़्यादा चिंतन करने से पैसों से कनेक्शन या अटैचमेंट हम जोड़ लेते हैं, और उस अटैचमेंट में यदि कोई विघ्न उत्पन्न करे, यदि जैसे कि हमेशा पैसे 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 सोचने से यदि उसमें विघ्न पड़ता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। और 63 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृतियों में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। और 64 में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन आत्मा वशेर विधेयात्मा प्रसदम आदि गच्छति। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण 65 श्लोका में भी ये कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब इस श्लोक में 64 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ 65 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यदि हम इस समझने आए तो जब हमें क्रोध आता है, क्रोध की उत्पन्ति से जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध के वश में आके हम सही गलत उचित अनुचित इसको सोचने के अवस्था में हम नहीं होते और इसके आवेश में आके हम जाने क्या क्या ही कर बैठते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो। जब हम क्रोध और बाकी इंद्रियों के वश में कर लेंगे तब ये राग द्वेष हिंसा निंदा ऐसे भावनाओं से हम बाहर आ जाते हैं। जब हमेशा हमारे अंतकरण में सुकून, जब ये भावनाएं जब दूर हो जाती है तो सुकून सुख ये भावनाएं जो है हमारे अंदर आ जाती है। और जब हमारे अंतकरण में अनंत भाव ये जब रह जाता है तब ये राग द्वेष हिंसा निंदा जैसे भावनाओं से उत्पन्न होने वाली जितने भी एनर्जी या फिर जितने भी भावनाएं होती है वो हमारे जीवन में किसी तरह का विघ्न पैदा नहीं करती। और 66 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नोचायुक्तस्य भावना नोचा भावयतः शान्तिः अशांतस्य कुतः सुखम्। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है। इन शॉर्ट कहे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी मत बनो जिसके अंदर हमेशा हिंसा निंदा ऐसे भाव उत्पन्न रहे। अगर ऐसे भावनाओं के साथ यदि हम रहते हैं तो उस भावना में हमें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी और जब हम शांति प्राप्त नहीं होगी तब ना हमें शांति मिलेगी और ना ही हम किसी और को शांति में रहने देंगे। और श्लोक नंबर 67 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मोनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवम् इवाम्भसि।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ में रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि कोई नाव, जैसे कि एक समुद्र में जैसे कि नाव अगर जाए तो वो उसकी कोई दिशा नहीं होती, अगर उसको सही ढंग से उसको नहीं चलाया जाए तो वो बिना दिशा में चलती जाएगी और हवा वायु उसको अपने ही बहाव में ले चलती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करती तो वो जिस विषय के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है वो उसी के भाव बहाव में वो चल जाता है। अगर हम एग्जांपल के साथ सोचे या समझने की कोशिश करें, जैसे कि व्यक्ति यदि सिर्फ पैसा 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 के लिए अगर सोचता है तो उसके उस इंद्रिय के अंदर जो इंद्रिय है वो होता है कि किसी के पास होता है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा होता है कि हर मोमेंट खाते पीते उठते जागते बैठते उसे सिर्फ पैसा कमाना है, उसकी इंद्रिया जो है वो पैसे कमाने की उसकी तरफ जाएगी। कोई किपटा बन जाता है, मीन्स कंजूस बन जाता है कि मेरे पास पैसा है मुझे पैसा खर्चा करना नहीं है, उसे एक अट्ठन्नी से भी उसके खर्चा नहीं होने चाहिए। कोई लाइक उसके अंदर जो भाव होते हैं वो उसी की ओर वो चलता जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उसी के भाव में वो चलता जाता है जब वो विषयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वो जोड़ लेता है। इसलिए श्लोक नंबर 68 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। जिस व्यक्ति ने ये विषय से रिलेटेड जितने भी उसके इंद्रिया होती है अगर उसने उसको कंट्रोल कर लिया तो उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और श्लोक 69 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानि सर्वभूतानां तस्यां जगर्ति संयमी यश्याम जग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्वों को जानने वाला मुनि के लिए ये रात्रि के समान है। श्लोक नंबर 70 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। यहाँ ये श्लोक हमारे लाइफ में उतारने योग्य, सारे श्लोक हमारे लाइफ में एज अ प्रिंसिपल उसे उतारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये श्लोक बहुत मेरा फेवरेट लगता है। और उसके बाद जैसे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब हो जिस स्थित प्रज्ञ पुरुषों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब ये श्लोक मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे ये श्लोक अपनी लाइफ में मैं उतारने की पूरी पूरी कोशिश भी करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य की
जो कैरेक्टर जो है, एक मनुष्य का कैरेक्टर जो है वो समुद्र जैसा होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग नदियों से, अलग अलग झरनाओं से, नदियों से, हर तरफ से पानी जो है समुद्र में आके ढल जाती है, और वो भी समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह एक इंसान को भी उसकी कैरेक्टर जो है वैसी होनी चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपके पास आके अलग अलग, जैसे कि हिंसा, निंदा, क्रोध और नानान तरीके की भावनाएं आपके ऊपर छोड़ेंगे, तब भी आपके अंदर किसी तरह का जो, जैसे कि क्रोध हो, जैसे कि कोई भी इमोशन हो, वो रिएक्शन ना ले। और सभी को हमें अपने अंदर उसको समा लेना है। श्लोक 71 और 72 में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खूबसूरती से आगे कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सुशांतिम् अधिगच्छति। 72 श्लोक में, एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यम अंतकालेपि ब्रह्मा निर्वाणम ऋच्यति। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। और लास्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थित में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ एक सवाल, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज है, ये जो भी क्वालिटीज है, जो 61 मीन्स इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, ये एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी हमें ये सवाल अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम शांति में है, क्या हम हमारे इंद्रियों को हमने अपने कंट्रोल पर रखा हुआ है। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो हमें इससे अपने कंट्रोल पे करना बहुत ज़रूरी है। और सारे भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं इस श्लोक्स के द्वारा, उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करना है। और जब हम ये अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हम एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को स्थिर रखने वाला व्यक्ति, हम वैसे ही बन जाएंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयाध्यायः। गीता महात्म्य, गंगा गीता, सावित्री सीता, सुक्ता, प्रतिव्रता, ब्रह्मबोली, ब्रह्मविद्या, त्रिशोंदा, मुक्तिगेहिनी, ऊर्ध्वमात्रा, चिदानंदा, भवोक्नी, भ्रांतिनाशिनी, वेदोत्रोय तथार्थो ज्ञानमंजरी नमो। जय गीता, जय गीता, जय गीता। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों की जय। हमारे परमेष्टि गुरुदेव भुवनेश्वर साल ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर की जय। भूल त्रुटि होने से मुझे फिर माफ कीजिएगा। अब मैं आप सभी से विदाई लेती हूँ। राधे राधे।